हादसा तो आप देख रहे हैं। मंजू जी मेरे साथ हैं, मैं मंजू जी को बधाई देता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा। और हमारा जो मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को आगे बढ़ाने का काम कर। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, मतदान केंद्र के बाहर बिल्कुल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो लगातार 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास। दुनिया के अंदर पांचवी सबसे शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्था वाला भारत है, ये सांस्कृतिक भारत है, ये ऐतिहासिक भारत है, और ये एक ऐसा भारत है जो अगले 5 साल में ही 2019 तक ही तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आर्थिक ताकत बन जाएगा। तो न साधारण चुनाव है, न ये साधारण भारत है, और इसका निर्माता मतदाता है, इसीलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है वो एक तरह से प्रूफ है कि किस तरह से मोदी जी काम करते हैं। और अब मोदी गारंटी है कि 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे, हम विकासशील नहीं रहेंगे, और विकसित होकर आर्थिक ताकत, और वो आर्थिक ताकत गांव-गांव तक पहुंचेगी। यानी हर तरह से, चाहे वो नव मतदाता हो, हमारे युवा हो, चाहे वो मातृशक्ति हो, महिलाएं हो जिनको हर तरह से मजबूत करा है पिछले 10 साल के अंदर, चाहे वो किसान हो जिनके लिए सरकार पूरी तरह से खड़ी है, चाहे ट्रेड एग्रीमेंट हो, व्यापार एग्रीमेंट हो, हर तरह से हमारी सरकार हमारे किसानों के लिए खड़ी है, या उनको आर्थिक ताकत पहुंचाने के लिए, या पानी की व्यवस्था करने के लिए, हर तरह से किसानों के लिए, और या फिर गरीबों के लिए। गरीबों को पहली बार पिछले 10 साल के अंदर गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। भारत के अंदर कोई भूखा नहीं सोया, 80 करोड़ आबादी को बिना किसी शुल्क के मुफ्त राशन मुहैया कराया, हर तरह से आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। ये बढ़ता भारत है, इसकी ताकत लोकतंत्र बनाने का ये चुनाव निश्चित तौर पर विश्व में हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर रहा है। आप देख रहे हैं कितने जागरूक हमारे मतदाता हैं, सबके मन में एक आशा है एक बार फिर विश्वगुरु देश बने, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में भारी मतदान है। 2014 पहले हुए हैं, और 2014 के जो घोटालों की जांच एजेंसियां कर रही है, तो ये बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में उठपटांग बातें भी कर रहे हैं, भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन देश का लोग समझदार पढ़ा लिखा है। भारतवर्ष विश्व गुरु है दुनिया का, और वह विश्व गुरु जो है वो जानता है कि प्रधान सेवक जी का काम बोलता है, उनकी गारंटी बोलती है, और भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के सेवक हैं, और यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता इसको जन कल्याण मान के, सेवा मान के लोगों का काम करता है। तो इसलिए इस बार 400 पार का संकल्प पूरा, फूल कमल के खिलेंगे और 25 कमल खिलकर प्रधान सेवक जी के साथ हमारे राजस्थान का विकास करेंगे।